और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। तीनों राज्यों के लगभग 10 से 12 सांसदों ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। संसद भवन में जाकर आज सभी तीन राज्यों के करीब 10 से 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तीनों राज्यों के लगभग 10 से 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। ये बता दें कि ये सभी सांसद विधानसभा चुनाव लड़े हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के करीब 10 से 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक का चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। विधानसभा चुनाव जीते सभी सांसदों ने इस्तीफा दिया है। बता दें कि करीब 10 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, संसद भवन में सभी ने इस्तीफा दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से, प्रहलाद सिंह पटेल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौर इन्होंने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, गोमती साय, दिया कुमारी, रीति पाठक इन्होंने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा अरुण साहब, किरोड़ीमल मीणा, उदय प्रताप सिंह इन्होंने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। और तीनों राज्यों के लगभग 10 से 12 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। ये सभी सांसद तीनों राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और विधानसभा चुनाव में जीते इन सभी सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और करीब 10 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक बनने के बाद सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में से और प्रहलाद सिंह पटेल इन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, राकेश सिंह इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर इन्होंने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। गोमती साय, दिया कुमारी, रीति पाठक इन्होंने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। अरुण साहब, किरोड़ीमल मीणा और राव उदय प्रताप इन्होंने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तीन राज्यों से सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सांसदों का इस्तीफा, संसद भवन में जाकर सभी ने आज लोकसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा दिया है। तीनों राज्यों के लगभग 10 से 12 सांसदों ने इस्तीफा दिया है।